Go, Priyanka, you can do it. It's good for your health. Hello, food fam, and welcome to my world of simple eating. I really can't keep calm for today's video because aaj do good news hai. Number one, main vegan hot pot kar rahi hu. A lot of you were asking me to do vegan food for 24 hours. Kuch vegetarian khao. Ye lo, main aa gayi hu with a vegan hot pot. The second good news is ki ye jo aap abhi mera intro dekh rahe ho, wo main shoot kar rahi hu. Yes. I am shooting with my new phone, which is iPhone 13 Pro Max. अगर आपने वो ब्लॉग नहीं देखी है तो उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है, जहां हमने स्टोन पेपर सीजर खेल के आईफोन खरीदा है. हमने गेम कैसे खेला है, गेम के रूल्स क्या थे और आईफोन क्यों खरीदा, वो सब उस वीडियो में दी है. सो जब वीडियो का पर्पस है दो गुड न्यूज, तो इस वीडियो में 24 आवर्स में 30,000 लाइक तो बनता ही है. इनफैक्ट 30,000 से ज्यादा ही लाइक बनता है. तो शॉपिंग का काम मैंने पहले ही कर लिया था, आज हम सिर्फ क्यूरेट करेंगे. बट आज का जो वेगन हॉटपॉट है, इट्स नॉट गोइंग टू बी लाइक द अदर हॉटपॉट्स, बिकॉज आज के वीडियो में हम बहुत सारे अनट्राइड ग्रीन्स खाएंगे, लीव्स खाएंगे, जो मैंने भी पहले नहीं खाया. सबसे पहले एक रॉकेट लेटस, बेबी स्पिनच, ऑब्वियसली एनी हॉटपॉट इज इनकम्प्लीट विदाउट स्प्रिंग अनियन. दिस रॉकेट लीव्स एंड दिस इज रॉकेट लेटस. मैं इन सबके ना डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में डालू, आप देख लीजिएगा. और मैंने कहाँ से लिया है मैं वो भी डिस्क्रिप्शन में डालूंगी. ये इनोकी मशरूम. आई वांट मोर ग्रीन्स. कॉर्न कॉब. आज के इस वीडियो में हम लोग एक और नया डिफरेंट मशरूम खाएंगे, विच इज शिताके मशरूम. नाउ शिताके मशरूम इज वेरी एक्सपेंसिव और हर जगह मिलता नहीं है. मैंने ये ऑल द वे न्यू मार्केट से मंगवाया है, 1200 या 1300 रुपीज किलो. यहाँ पर 90 ग्राम दुकान वाले के पास था, मैंने 90 ग्राम ले लिया. शिताके मशरूम लुक्स लाइक दिस. दिस आर बेसिकली डिहाइड्रेटेड मशरूम, जिसको मैंने पानी में डाल के हाइड्रेट कर लिया है. एंड हाइड्रेट होने के बाद दिस लुक समथिंग लाइक दिस. सो ब्यूटिफुल. सो ये फर्स्ट टाइम मैं खाऊंगी. मैंने मतलब खाया हुआ है, डिशेस में खाए हुए थोड़े थोड़े चंक्स एंड ऑल, बट ये फर्स्ट टाइम मैंने ऐसे मंगा के बना के खाऊंगी. इसकी खुशबू काफी अच्छी, इट्स वेरी गुड. एंड यू नो व्हेन इट कम्स टू वीगन फूड, मशरूम प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन दिस मील. आई होप आप सबको पता है वीगन मीन्स नॉट ओनली वेजिटेरियन बट एनी प्रोडक्ट विच डज नॉट हैव एनिमल. एनिमल बाय प्रोडक्ट्स भी नहीं होना चाहिए. सो आपको ना सारे इंग्रेडिएंट्स देख देख के लेने पड़ेंगे. इवन इफ इट इज वेजिटेरियन डज नॉट मीन इट्स वीगन. कॉन्शियस अप्रोच से ये हॉटपॉट बना रही हूं. आई होप दिस गोज वेल. और आज के इस हॉटपॉट में हम खाएंगे ये नूडल्स, विच इज वर्मिसली, विच इज राइस नूडल्स स्टॉक. हर हॉटपॉट में आई यूज चिकन स्टॉक, दिस टाइम आई एम यूजिंग वेजिटेबल स्टॉक. ग्रीन्स में मैं ब्रोकोली भी ले रही हूँ, पॉक चॉप और शॉर्ट, नॉर्मल टोफू एंड द स्टफ टोफू. एंड ये एक और नई वेजिटेबल हम खाएंगे, विच इज ब्रुसेल्स स्प्राउट, इसको कहते हैं. मुझे तो ये छोटा बंद गोभी की तरह लगता है, लाइक बंद गोभी का बेबी. आई डोंट नो, आप कमेंट करके बताओ, इज इट लाइक बंद गोभी का बेबी और इट्स समथिंग एल्स ओनली. सूप में जो जो जाएगा वो इंग्रेडिएंट्स रेडी. सो शैल वी स्टार्ट द हॉट पॉट. फाइनली द टेबल इज सेट एंड आई एम सुपर 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 एक्साइटेड फॉर दिस वीगन हॉट पॉट. हाउ एक्साइटेड यू आर, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. हिट द लाइक बटन इफ यू हैवंट डन इट येट. सो लेट्स बिगिन द कुकिंग. बट डोंट यू थिंक सो दैट कोई एक इंग्रेडिएंट है जो मिसिंग है. सोचो क्या. चलो हिंट दे देती हूँ. बिट्टू भैया का फेवरेट. बिट्टू भैया
क्या क्या डेफिनेटली इट्स मोमोज. वूहू, मोमो के बिना हॉटपॉट इनकम्प्लीट, क्योंकि ये है हमारा कार्ब्स लेकिन ग्रीन कलर वेजिटेरियन मोमो विच इज फ्रॉम दिस ब्रांड उमंगा. ये मेरे को फर्स्ट टाइम दिखा. इसका प्राइस इज 160 रुपीज. एज यूजुअल वी हैव गॉट केविंटर्स का वेज मोमो जिसका प्राइस इज 340 रुपीज. डेफिनेटली इसमें क्वांटिटी ज्यादा है तो इसलिए ज्यादा प्राइस है. बट आई एम वेरी एक्साइटेड टू ट्राई आउट दिस ग्रीन मोमो. तो पहले पैन में डालेंगे थोड़ा ऑलिव ऑयल. इसमें हम डालेंगे हमारे अनियन, जिंजर, विल सौते, चक्कू लाओ ना चक्कू, खतरों के खिलाड़ी पापा. लोग आग में समोसा सेकते हैं, यहाँ खतरों के खिलाड़ी तेल से प्याज निकाल के प्याज का गीट काट रहे हैं. वाह 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 वाह. खतरों के खिलाड़ी. प्याज और अदरक की काफी अच्छी खुशबू आ रही है. अब इसमें हम डाल देंगे अपने दूसरे इंग्रेडिएंट्स, रेडिश, कैरेट. स्टर इट फॉर अ वाइल. थोड़ा इसमें एक जला टेक्सचर आएगा, उसके बाद हम दूसरा इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे. इसमें डालेंगे टमाटर, शिताके मशरूम एंड ग्रीन अनियन. नाउ वी विल मिक्स. सो बेसिकली ये अभी जो बन रहा है वो है सूप का बेस तैयार हो रहा है. सो हमारा स्टॉक रेडी हो जाएगा, उसके बाद वी विल जस्ट डिप एंड ईट जो नॉर्मल प्रोसेस. But definitely the flavor of this hot pot is going to be different because we are adding a lot of new ingredients to it. Like shiitake mushroom has its own flavor which I am also gonna know for the first time today. इसको मैं जब तक स्टर करूंगी जब तक मूली गाजर में एक और टमाटर में एक जला टेक्सचर नहीं आ जाए, उसके बाद आई एड वाटर. आई एम वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड फॉर दिस हॉट पॉट बिकॉज आज बिल्कुल भी मीट नहीं है. देयर इज लॉट ऑफ फाइबर एंड पता नहीं क्यों मेरे को मन में फीलिंग आई है खाने के बाद मैं बहुत हेल्दी फील होने करने वाली हूँ. ऑनेस्टली मेरे को तो ये कलर काफी सुंदर लग रहा है देख के. बिटू भैया तेरे को कैसा लग रहा है? हाँ अलग है, अर्थी कलर, पर्पल कलर, व्हाइट कलर, ग्रीन, ऑरेंज, रेड. गुड कलर फूड मेक्स मी फील रियली गुड. ठीक है, आई थिंक अब इसमें मेरे को पानी ऐड कर देना चाहिए. लास्ट टाइम की तरह मैं गलती नहीं करूंगी तो पानी कम ही डालूंगी. नाउ आई विल बी एडिंग दिस स्केल्प विच इज अ सीवीड शीट. इसका टेक्सचर मैं आपको दिखा देती हूँ कैसा दिखता है. इसका स्मेल एकदम ग्रीन टी की तरह है, ये ऐसा दिखता है. सो विल बी एडिंग, आई डोंट नो, मैंने कभी खाया नहीं है ये, बट फिश केक सूप जो मैंने एक बार पिया था, मैंने बोला था मैं आपको घर में बना के दिखाऊंगी, उसके बाद मैंने नहीं बनाया बिकॉज ऑफ द रीजन ये मुझे नहीं मिल रहा था कहीं पर भी. फिश केक सूप में ये डलता है. लेटिंग माई सब्सक्राइबर्स डिसाइड वट आई ईट फॉर 24 आवर्स, उस वीडियो में मैंने खाया था, कोरियन फूड था. उसमें अगर आप जाके देख लो, अगर आपको रेसिपी चाहिए तो कॉमेंट करके बताना, क्योंकि अब मेरे पास सारे इन्ग्रीडियंट्स है, आई कैन ईजिली मेक दैट रेसिपी. इसमें और भी दो तीन चीज आई विल ऐड. 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 2 टेबलस्पून विनेगर, सॉल्ट टू टेस्ट, ब्लैक पेपर. Need this black pepper badly. I love black pepper. तो केल्प देखो कैसे ये हो गया है. ना कुछ देर बाद हम लोग ये ना जब स्टॉक बॉयल हो जाएगा हम लोग ये निकाल देंगे 5 मिनट बाद. हाँ, कवर द लिड एंड लेट इट कुक फॉर अ वाइल. तो मेरा हॉटपॉट का सूप सिमर हो रहा है, हम यहाँ पर ये वाला मोमो खोल लेते हैं विच इज ग्रीन कलर मोमो. तो इसको निकाल लेते हैं प्लेट में. बट ये फ्रोजन है बट यहाँ चल जाएगा बिकॉज सूप है, सूप में डालेंगे तो ये बॉयल हो जाएगा अच्छे से. सो ये रहा मेरा ग्रीन कलर का मोमो विच लुक सुपर टेम्पटिंग एंड प्रिटी एंड क्यूट. 5 से 6 मिनट हो चुके हैं तो अभी मैं क्या करूंगी, वो केल्प है वो निकाल लूंगी विच इज सीवीड शीट. सीवीड शीट नहीं बोलूंगी मैं उसको, सीवीड ही बोलूंगी. तो ये मैं एक एक करके निकाल ले रही हूँ बिकॉज इसका मेरे को जरूरत नहीं है. ज्यादा देर रहेगा ना तो ये फ्लेवर्स इसके खराब हो जाएंगे. माई वेज फूड फैम जो है वो कमेंट करके बताओ व्हाई शुड ओनली नॉन वेज फूड फैम हैव ऑल द फन, बिकॉज नाउ माई वेज फूड फैम कैन ऑल्सो मेक दिस हॉट पॉट एट होम एंड एंजॉय जस्ट लाइक माई नॉन वेज फूड फैम हैज एंजॉयड द अदर हॉट पॉट्स. दिस इज एल्गी बेसिकली, राइट. इसमें फिश का इसलिए स्मेल आ रहा है बिकॉज इट्स सी वीड, सी का है तो सी में जितना भी फिश होता है उनका स्मेल ऐसा ही आता है. जैसे चिकन स्टॉक था वैसे ये वेज स्टॉक का पैक है. ये बहुत मुश्किल से न्यू मार्केट में मिला है तो ऐसे क्यूब्स आते हैं, चॉकलेट की तरह इसका पैकेट होता है. जैसे बहुत जन ऐसे पूछ रहे थे कि वेजिटेबल स्टॉक कैसे बनाए, वेज स्टॉक कैसे डाले, सो इन दैट केस आप ये वेजिटेबल स्टॉक यूज कर सकते हैं. कितना अच्छा लगता है मेरे को पता है जब मैं हॉटपॉट बनाती हूँ, क्योंकि कितनी सारी नई चीज़ों के साथ मेरा इनकाउंटर होता है, कितनी सारी नई चीज़ें सीखने को मिलती है. ये चॉकलेट की तरह ही क्यूब है, इसको डाल देते हैं. हाजमुला की तरह देखने में लग रहा है. मोंटी इज बैक एंड माय हॉटपॉट वीडियो इज ऑलवेज इनकम्प्लीट विदाउट मोंटी भैया. थैंक यू फॉर कमिंग.
एम एड यून टीशर्ट रूइन टीशर्ट. टुडे वी आर मेकिंग वीगन हॉट पॉट, दैट्स मोमो, ग्रीन मोमो, वेज मोमोज, एवरीथिंग इज वेज हियर. कोई भी एनिमल एंड एनिमल बाय प्रोडक्ट इसमें नहीं है. यस, दिस इज अ वीगन वीडियो. सो लेट अस जस्ट स्टर, एंड इसको स्टर करने के बाद आई विल जस्ट लेट इट कुक फॉर अनदर 5 to 6 minutes एंड देन वी विल स्टार्ट डिपिंग एंड ईटिंग. एक बार सिमर होने से पहले मैं इसको टेस्ट करके देखती हूँ कैसा. आई डोंट नो, आई एम वेरी स्केप्टिकल, आई डोंट नो हाउ इट्स गोइंग टू टर्न आउट. नॉट बैड, आई टेल यू, ट्रस्ट मी, मैं जो बनाती हूँ मैं स्क्रैच से आप ही के सामने बना रही हूँ. इट टर्न आउट टू बी रियली गुड, मे बी बिकॉज बहुत शिद्दत से बनाया इसलिए. ज्यादा फ्लेवर्स है इसमें, ज्यादा फ्लेवर्स है इनफैक्ट. बिना मीट के, बिना चिकन के काफी अच्छा लग रहा है. वो जो सीवीड डाला ना हमने केल्प, उसके वजह से फ्लेवर्स ज्यादा अच्छे लग रहे हैं. 28 में उतारेंगे. डू यू थिंक माय लिप्स आर वेरी स्मॉल, फूड फैम? आपने कभी खाया है फूड फैम? ये छोटा बन को भी कमेंट करके बताओ, विच इज कॉल्ड ब्रुसेल्स स्प्राउट्स. आज की वीडियो में देखो मैंने आपको क्या क्या नया दिखाया. ब्रुसेल्स स्प्राउट्स, फिर मैंने आपको नया दिखाया केल्प, रॉकेट लीफ, रॉकेट लेटस, ग्रीन मोमो, और तो सब नॉर्मल है. चिली ऑयल, शिताकी मशरूम जो अंदर है, काफी कुछ नया है. एंड बिट्टू भैया जो नया है, इसने छोटी की हुई है और कितनी प्यारी लग रही है. सो ये हो चुका है. मैं गैस को कर रही हूँ लो और मैं उठा रही हूँ अपना हॉटपॉट का ढक्कन को. डिग डिग. वो तो ये कुछ ऐसा लग रहा है. लेट्स सी, दिस इज हाउ द मशरूम लुक्स. ब्यूटीफुल, आई थिंक इट्स कुक्ड, इट्स डन, लुक्स ग्रेट टू मी. अनियन भी बहुत अच्छे से सॉफ्टन हो चुका है. मैं रेडिश एंड कैरेट इज कुक्ड, देन दैट मीन्स द सूप इज कुक्ड. सो ये देख सकते हैं आप, रेडिश के अंदर बहुत अच्छे से चॉपस्टिक चला जा रहा है. सो इट्स कुक्ड, कैरेट इज ऑल्सो कुक्ड. अभी मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा सेसमी ऑयल. नाउ आई विल बी एडिंग दिस चिली ऑयल जो मैंने चाइनीज फूड फेस्टिवल से लिया था. Wow, this looks perfect. Super good. सबसे पहले मैं ब्रोकोली और ब्रसल स्प्राउट्स डाल रही हूँ बिकॉज इसको टाइम लगेगा पकने में. स्टफ टोफू और इसमें मैं डालूंगी जो सोक्ड वर्मिसली है, विच इज द राइस नूडल्स, मैं इसको डालूंगी. वो इनोकी मशरूम. सेकेंड लॉट में आई विल ट्राई द न्यू वेजीज. जो मेरा बेस इंग्रेडिएंट था सूप का, मैं पहले वो खाती हूँ. इसके ऊपर आई विल टेक द चिली ऑयल. इसकी खुशबू इतनी अच्छी है ना, इट्स लाइक रोस्टेड चिली को तेल में डाल के बनाया. द क्वालिटी इज वेरी गुड. कभी अगर आप टैंगड़ा या चाइना टाउन जाओ ना तो आप वहां से ले सकते हो. वहां का सेजवान सॉस भी बहुत अच्छा होता है. आप देख सकते हो गार्लिक भी डाला हुआ है इस चिली ऑयल में. सो लेट मी जस्ट फर्स्ट ट्राई द सूप. विद द चिली ऑयल इट्स टेस्टिंग सो हेवनली डिलीशियस. वेरी नाइस, बहुत अच्छा टेस्ट बना है. शिताकी मशरूम का टेस्ट बहुत अच्छा है. यू नो इट्स वेरी अर्थी, वेरी नाइस. हाउ डू आई एक्सप्लेन यू द टेस्ट? इट्स वेरी हॉट टोफू. यहाँ पर मैंने दो सॉस लिया, एक सिराचा और एक वो थाई वियतनामीज जो सॉस है ना मेरे पास, वो वाला आई एम टेकिंग. इट्स वेरी नाइस, वेरी 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 नाइस. आई थिंक आई शुड टेक द नूडल्स एंड इनोकी मशरूम बिकॉज वो कुक्ड हो चुका ऑलमोस्ट. बिकॉज राइस नूडल्स ज़्यादा टाइम नहीं लगता बनने में, तो राइस नूडल्स निकाल लेते हैं. मोमोज भी पक चुके आई थिंक. इनोकी मशरूम, मोमो, कैरेट, मोमो सारे निकाल लेती हूँ मैं. ट्राई द इनोकी मशरूम. इसको थाई सॉस में डिप करके खाते हैं, मीठा मीठा. द सूप हैज गॉट सो वेल इन्फ्यूज्ड इनटू द मशरूम. इट्स टेस्टिंग लाइक नूडल्स, बट यू नो इट्स टेस्टिंग लाइक चुई नूडल्स, वेरी फ्लेवरफुल. लेट मी ट्राई द शिताकी मशरूम बिकॉज आई एम वेरी एक्साइटेड टू ट्राई दिस. इट्स हार्ड, नो?
Yeah, it's very chewy. ये सिराचा के साथ मैं खा रही हूँ. आई एम सो एक्साइटेड टू ट्राई दिस. वैसे नूडल्स वगैरह मैं खाया हुआ है, बट ऐसे सोलो खुद बना के नहीं खाया है. आज फर्स्ट टाइम खा रही हूँ. इट्स वेरी हॉट, पाइपिंग हॉट. Oh my god, oh god, it's chewy, definitely very chewy. But इसका texture बहुत velvety है, एकदम smooth, soft है. And जैसे मैंने chew किया ना, ऐसा लगा किसी ने sponge में soup soak करके रखता है. जैसे chew किया, blast of the hot pot soup. Fabulous, amazing. I didn't expect this vegetarian hot pot to turn out to be so good. Veg food fam, non-veg food fam, everyone can try this at home, and you should try this at home. This is quite a healthy version. पर बहुत मीठा है भुट्टा, बहुत मीठा है. दिस हॉट पॉट हैज अ लॉट ऑफ फ्लेवर्स, यू नो, स्वीट फ्लेवर्स है, वेलवेटी फ्लेवर है, स्पॉन्जी फ्लेवर है. खाना लगा रहेगा, बट उससे पहले ना मैं सारी आइटम डाल देती हूँ जिसमें सबसे ज्यादा टाइम लगेगा, ताकि इन द मीन वेल जब तक मैं खा रही हूँगी और आपके साथ बकबक कर रही हूँगी, ये कुक हो जाए. एडिंग ऑल द ब्रोकोली टू द हॉट पॉट and the Brussels sprouts, mix this. इस बार हॉटपॉट का पानी सोख लिया है बहुत ज़्यादा, पानी कम हो गया है. हाँ, सब्जी है इसीलिए. अच्छा, मेरे को ना ये वाले वेजीज ट्राई करने हैं, तो मैं इनको डाल दे रही हूँ एक पल, विच इज़ लाइक बेबी स्पिनच, रॉकेट लीव्स एंड रॉकेट लेटस. सूप कम हो गया बेटू, पानी दो ना. ब्रुसेल स्प्राउट्स खा के देखते हैं कैसा है. टेक इट विद द चिली ऑयल, इसको पूरा चारों तरफ से चिली ऑयल लगा दे रहे हैं, एंड देन लेट्स ईट. बंदा गोभी, छोटा बंदा गोभी, एग्जैक्टली. लेट्स ट्राई द ब्रोकोली. आई टेक इट विद द सिराचा, बिकॉज लास्ट टाइम भी मैंने जब हॉट पॉट में मैंने कॉलीफ्लावर विद सिराचा खाया था, दैट वॉज वेरी गुड, क्योंकि अभी इसमें ब्लास्ट ऑफ सूप होगा एक्चुअली. I can't tell you. Non-veg meat से भी ज़्यादा मेरे को ये पसंद है. सब्जी is love forever. Let's try the momo. I'll take it with the chili oil. Definitely momos with chili oil is a great combination. If I can actually show you the filling of the momo, it has become like a soup momo. अंदर से भी एकदम soup in you know burst out हो रहा है. So basically it's cabbage and carrot. Filled momo, which is like super delicious, super super delicious. और इस garlic chili oil के साथ तो और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है. My God, very nice, very crunchy, very fresh. Now आप देख सकते हैं मेरा ये बाउल बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, तो आई थिंक इस बाउल को अब फिनिश करना चाहिए मेरे को. I should eat the noodles. Oh my god, pani. I'm just gonna take out the vermicelli noodles in another bowl, because these are very different noodles. Like is soup mein acha nahi lag raha. I think I should have opted for another noodles. Maine socha ye do different noodles se try kar lo, but I will tell you ki aap either udon noodles try kar lo ya normal wheat noodles try kar lo. Na ye hot pot mein ye wala vermicelli noodles ja nahi raha. Thai hot pot hota to rice noodles would have been good. Ye jo bacha hai wo main dusra veggies ke sath khati hu to shayad acha lage. Now with the veggies, the noodles are tasting very good, especially with this bok choy. काफी अच्छा लग रहा है, green and you know earthy color of the noodles looks fabulous. If I can actually take one, हाँ good. I think this is going to be a good bite, colorful. मोमो तो पूरा टूट ही गया इसमें. मोमो के अंदर चिली ऑयल पूरा घुस गया. वन ऑफ द बेस्टेस्ट हॉट पॉट. आई थिंक मैंने जितना भी हॉट पॉट बनाया सब अच्छा, सब अच्छा. आई एम वेरी स्केप्टिकल अबाउट ट्राइंग दिस लीव्स, वेरी वेरी स्केप्टिक. इसमें सब इन्फ्यूज हो चुका है, बेबी स्पिनच, रॉकेट लीव्स एंड रॉकेट लेटस. आई एम गोना टेक दिस ऑल टुगेदर
आई लव ग्रीन्स डेफिनेटली, बट ऐसे मैंने पत्ते कभी खाए नहीं है. लेट्स सी ये कैसा होता है. आई हैव नो आइडिया हाउ इट्स गोइंग टू टेस्ट. आई डोंट नो वेदर आई हैव टेकन द राइट वे और नॉट. आई ट्राई इट विद द हैंड्स ओनली. ये लीफ तो आई डोंट थिंक सो मेरे को बॉइल करना चाहिए था. वेरी बिटर. आई डिप इट विद द सिराचा बिकॉज सिराचा ही सेव करेगा मेरे को. Cheers to me, food fam. Hit like for this green leaves. Make this video reach 30,000 like in 24 hours, please. Go, Priyanka, you can do it. It's good for your health. Not that bad. Actually, it's tasting like pok choy only. It's like जिसको हरा सब्जी खाना पसंद है, पॉक्चर खाना पसंद है, वो ये खा लेगा आराम से. बट नॉट दैट एपेटाइजिंग, बट इट्स डेफिनेटली हेल्दी बिकॉज उड़ीसा इज कॉलिंग एंड आई नीड टू टेक केयर ऑफ माई हेल्थ. सो व्हाट आई एम गोना डू, आई एम गोना ऐड इट विद द टोफू एंड ईट, तो इट विल बी मोर फ्लेवरफुल आई थिंक. या टोफू तो ज़्यादा है ना विद द टोफू. इट्स टेस्टिंग जस्ट लाइक सैलड, ऐसे कि मैं सैलड खाया होगा. लेट्स सिप ऑन टू सम सूप. द सूप इज सो सोलफुल, आई कांट टेल यू, वेरी सोलफुल सूप. Brussels sprouts with tomato, radish, carrot, and tofu. Woohoo! So ये मेरा vegan hotpot था. आप comment करके बताओ आपको कैसा लगा. मुझे खा के बड़ा मज़ा आ रहा है. अभी मैं इसको कंटिन्यू करूँगी विद फैमिली. अभी मम्मी को खिला के दिखाऊंगी, पापा को खिला के दिखाऊंगी कि वीगन हॉटपॉट उनको कैसा लगा, उनके रिव्यूज लूंगी. सो यहाँ पर मम्मी आ चुकी है और यहाँ पर सिंजुबा है. मम्मी जीत के कैसा लगा था, ट्रीट कैसा लगा था. अभी देखो ये वीगन है, वीगन. सिंजू दे दो, बेल्ट दे दो. सिंजू खाना है, पुनी खानी है, पुनी खानी है मम्मा. अभी पापा लग चुके हैं यहाँ पर, देख रहे हैं क्या डाले नहीं डाले. यहाँ पर मम्मी और पापा के लिए बन रहा है अभी मोमो. मोमो ग्रीन मोमो, ग्रीन मोमो नहीं, ऐसा कलर नहीं, ग्रीन मोमो है. गाइस कमेंट करके बताओ मेरा आईफोन का क्वालिटी कैसा लग रहा है. ये काला मशरूम, ये है काला मशरूम नहीं, शीताकी मशरूम. शीताकी बोलो, शीताकी, शीताकी, शीताकी मशरूम. यहाँ पर सब नया नया दिख रहा है ना आपको, खा रहे भी. अच्छा बैठ जाओ, बैठ के खाओ. हाँ पहले ये खाओ. अरे वो दो ना मम्मी को, छोटा बंदा गोभी कैसा लगा. बंद गोभी का ही तो बच्चा है वो, तो बंद गोभी होगा. बॉयल बंद गोभी खा रही हूं. हां एकदम बॉयल गोभी. मम्मी आप ट्राई करेंगे शीताकी मशरूम फर्स्ट टाइम, देखो क्या रिएक्शन देती है. काट ही नहीं पा रही है उसको. और ये खाना बहुत हेल्दी होता है. मैं प्यार से लोगों को खिला देती हूँ और हम मिलेंगे नेक्स्ट टाइम. आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब विद बेल नोटिफिकेशन ऑन, क्योंकि मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स हु आर वाचिंग मी एंड आई एम कॉलिंग यू व्यूअर्स, बिकॉज आपने सब्सक्राइब नहीं किया है. तो आप अगर वीडियो देखते हैं, आपको वीडियो इतनी अच्छी लगती है, तो सब्सक्राइब क्यों नहीं करते. सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दो एंड देन आई विल कॉल यू माई फूड फैम, नॉट माई व्यूअर्स. सो यस, आई विल सी यू द नेक्स्ट टाइम. टिल देन हैप्पी ईटिंग्स. बाय बाय.